वेलकम बैक, आप देख रहे हैं थैंक यू सनोफी एवेंटिस, बिकॉज हेल्थ मैटर्स। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोगों के कुछ कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम नथिया गली में मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से कुछ बात करेंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के हवाले से। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। नॉलेज नहीं थी। अच्छा, कभी ब्लड प्रेशर चेक कराया आपने अपना? जी हाँ। तो क्या उसकी नॉर्मली आया? नहीं, नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं आपको कैसे पता? नॉर्मल बताया डॉक्टर ने, वो उसकी तकरीबन कह नहीं सकते कुछ। हाई ब्लड प्रेशर का कभी भी आपने वो चेकअप कराया हो कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में पता है आपको? कितनी वैल्यूज हैं उसकी, कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होता है? नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे होता है, क्या वजह है? हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, यानी कि इसका जड़ से खात्मा हो सकता है? यस सर। कभी आपने चेक कराया अपना ब्लड प्रेशर? अपना तो नहीं करवाया, पर किया खुद है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है? इतना तो हम भी नहीं जानते। नॉर्मल अंदाजन बस नॉर्मल यानी कि होना चाहिए। तो कभी चेक कराया आपने? मेरा तो फिलहाल अभी ठीक है। आपको कैसे पता ठीक है? आपको पता ही नहीं नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? बस इसी तरह ही थोड़ी बस। नहीं, मेरे ख्याल में तो मालूम करना चाहिए ना, डॉक्टर भी जो बताया कि हाँ क्या। अब अगर कोई बताए आपको कि आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो 200/90 खुदा ना खास्ता, तो आप और कहते नॉर्मल है? वो तो इस तरह से है कि अगर हमें ये महसूस हो कि हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है या कुछ हमें लगता है, तो उस सूरत में हम दिखा सकते हैं डॉक्टर को कि हमें इस तरह से कोई मर्ज़ है। कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हो गया? उसकी वजूहत है कि सर में दर्द होना या वैसे आपको चक्कर आना कोई वगैरह वगैरह, इस तरह से चीज़। लोगों के कॉमेंट्स आपने सुने, आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। हाइपरटेंशन इज़ ए साइलेंट किलर, खामोश कातिल। अक्सर औकात आप लोगों ने सोचा होगा उस फलां को फालिज हो गया, वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, ज़िंदगी भर उसने कभी ब्लड प्रेशर नहीं नापा था। इसमें मरीज़ों की भी गलती है और डॉक्टरों की भी। अब हम सब लोगों को ये मशवरा देते हैं और आपको कहता हूँ बार बार ये रिपीट करें, चेक योर BP ऑन ईच विज़िट। यानी अगर आप नज़ले ज़ुकाम के लिए भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की अलामत क्या हैं? This is an excellent question. Hypertension is considered to be a silent, killer or silent disease. Normally, most people will not have any symptoms. But those people who have symptoms, I consider them lucky because at least they get picked up. अब होना तो ये चाहिए कि रूटीन आप मेडिकल चेकअप्स कराएं, ब्लड प्रेशर चेकअप्स कराएं। बल्कि हम भी कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में विद द हेल्प ऑफ आर फार्मा इंडस्ट्री टू हैव स्क्रीनिंग क्लिनिक जिसमें लिपिड, शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब कुछ चेक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अनकंट्रोल्ड इसलिए होता है कि लोग चेक नहीं करते हैं, उनके सिम्टम्स होते नहीं हैं। इट इज़ अ साइलेंट किलर। जब आपको पता लगता है तो आपका हार्ट इनलार्ज कर जाता है, यू आर एट रिस्क फॉर हैविंग अ हार्ट अटैक, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में आप चले जाते हैं, या आपको TIA हो जाता है, या आपको स्ट्रोक हो जाता है, या आपकी किडनीज फेल हो जाते हैं, या आपका एओर्टा है जो मेन आर्टरी है उसमें डाइसेक्शन हो जाती है, फट जाता है, लोग मर जाते हैं, बचते नहीं हैं। जैसे आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को, तो ये मैं बताना समझता हूँ ज़रूरी कि पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग सालाना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से खुदा न खास्ता उनकी डेथ वाकया हो जाती है। इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम किया जाए। उसमें हाई ब्लड प्रेशर जो है वो वन ऑफ द फोर मोस्ट कॉजेज है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये साइलेंटली बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये इससे फालज का इंसिडेंस बढ़ जाता है, और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें स्ट्रोक या मेजर फालज का अटैक होने का इंसिडेंस बहुत हाई है। और इसलिए कई लोगों ने ये भी स्टडी किया है कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की अपर लिमिट को टच कर रहा है तो इवन देन ट्रीटमेंट शुरू करने से फालिज का इंसिडेंस कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है या इसे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहला स्टेप जो आप मरीज को एडवाइस करते हैं जब वो हमारे पास आता है वो है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, और उसको इस सिलसिले में अपनी ज़िंदगी में जो बुनियादी तब्दीलियाँ लानी हैं वो ये कि वज़न कंट्रोल करना, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हाई ब्लड प्रेशर और वेट ज़्यादा होने का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नंबर 2, अगर अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसको तर्क कर दें। नंबर 3, तंबाकू नोशी से बहुत हद तक गुरेज करें, बल्कि कोशिश करें तर्क करने की। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज या वॉक।
तो इसका इलाज जो है वो दवाइयों की स्टेज से पहले प्रॉपर तशखीस पे मुनहसर है, उसके बाद ज़िंदगी के बुनियादी जो आपके फंक्शंस हैं और लाइफस्टाइल है उसमें आप किस तरह तब्दीली लाते हैं, उससे कम अज़ कम 5 से 10 डिग्री तक आप इसको कम कर सकते हैं बग़ैर दवाइयों के। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है, या अगर आपके पास मरीज़ आया है हमारे पास और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है ऑलरेडी, यानी गुर्दे अफेक्टेड हैं या हार्ट अटैक हो चुका है या शुगर है उसको, तो फिर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और फिर दवाइयाँ हम अर्ली स्टेज पर उसको शुरू करवाते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया था कि 140/90 से कम रखें। अब एक चीज़ होती है, आपके ख़वातीन के रिसालों में तो बहुत आते हैं, शोज़ में भी आते हैं, आइडियल की तलाश, तो वो ब्लड प्रेशर का भी एक आइडियल है। आइडियल हम सबको कहते हैं 120/80 रखें, यानी ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80, ये आइडियल है। मैंने कहा था ना, अब नॉर्मल यानी नॉर्मल से ज़्यादा वो 140 है, लेकिन आपको रखना है अपना ब्लड प्रेशर 120 और 80, नीचे वाला 80, ऊपर वाला 120। बार बार इस बात पे इसरार है कि नमक कम कर दिया जाए। देखिए, ना सिर्फ हम नमक ज़्यादा डालते हैं हर चीज़ में, ऊपर से अलग-अलग छिड़कते हैं, वो बचपन से हमें ये टेस्ट डेवलप कर देते हैं, तो ये आज हम सब नतीजे भुगत रहे हैं। आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है, लेकिन मैंने लोग देखे हैं तो न्यूयॉर्क जहाँ पे वॉल स्ट्रीट के जो हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो रनिंग फॉर्च्यून 500, आपने सुना होगा कि कंपनीज, दे आर सिटिंग ऑन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, वो भी जो है लंच मिस करके हेल्थ क्लब चले जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं और लाइट से सैंडविच खा के आ जाते हैं, दे गेट देयर वर्कआउट। मिनिमम ये रिकमेंडेड बाय ऑल द बिग सोसाइटीज इज एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 days अ वीक, दिस इज मिनिमम, आई कीप ऑन सेइंग मिनिमम, इफ़ यू हैव मोर टाइम प्लीज एक्सरसाइज फॉर 1 hour 7 days अ वीक। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो बालिग आबादी है 15 साल से ऊपर 18% ब्लड प्रेशर में मुबतला है, दुनिया की 25% आबादी ब्लड प्रेशर में मुबतला है, अभी 972 मिलियन लोग दुनिया में ब्लड प्रेशर में मुबतला हैं और आइंदा कुछ सालों बाद ये तादाद 1 अरब हो जाएगी, आबादी 6 अरब है, 1 अरब हो जाएगी ब्लड प्रेशर की। और फिर देखिए, सिर्फ ये नहीं है, जो लोग मफलूज हो जाते हैं, जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जो हार्ट अटैक में, जिनको मौत नहीं होती, हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, उन सब की कितनी तकलीफ़देह ज़िंदगी है उनके लिए भी और उनके अहले ख़ानदान के लिए भी। तो सिर्फ अमवात से नहीं बचाना, हम उन कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना है जिससे लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की जो भी इलाज है आप अपने डॉक्टर से रابطہ रखें, दवाइयाँ बाकायदगी से खाएँ। लास्टली मैं ग़िज़ा के बारे में ये ज़रूर बताऊँगा कि सब्जियां और फल, जिन फलों में पोटेशियम ज़्यादा है जैसे कि सिट्रस हैं या फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, उनसे ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस कम रहता है। इसी तरह छिलका या फाइबर खाने से ब्लड प्रेशर के ऊपर फ़र्क पड़ता है उसकी रेगुलेशन पे। इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा, वी विल बी राइट बैक।